तो इसलिए आप जल्दी से मुझे बताइए कि भारत में मुसलमानों के बारे में और क्रिश्चियंस के बारे में क्या क्या आम धारणा है, सामान्य सामाजिक सोच क्या है। मांस खाते हैं तो मांस खाने से क्या हो गया? गाय का मांस खाते हैं तो गाय को हिंदू लोग क्या मानते हैं? माता। गाय को माता मानते तो पिता कौन होगा? मैंने कुछ नहीं कहा, आप ठीक है, चलिए। तो गाय को माता मानते हैं तो मुसलमान गाय को खाता है, तो इसलिए हिंदू को तकलीफ होती है, इसलिए वो मुसलमान को मारता है। नंबर 1, धर्म परिवर्तन कराते हैं, मतलब वो कौन, हाँ, धर्म परिवर्तन का भी एक जरा सुन लीजिए। दो प्रकार के कहते हैं, एक तो भाई वो ईसाई मिशनरी, वो घूमते रहते हैं बाइबल लेके, कोई भी दिखा तो उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, एक। और दूसरा एक धर्म परिवर्तन इतिहास में कहा जाता है, इतिहास में कहा जाता है कि भाई मुसलमान राजाओं ने धर्म परिवर्तन करवाया, ऐसा बोलते हैं ना। इस्लाम में धर्म परिवर्तन किसने कराया? लोगों की मान्यता क्या है? मुसलमान राजाओं ने। औरंगजेब ये कि सभी मुसलमान राजा वैसे ही थे, ऐसा बोलते लोग। लोग क्या बोलते, मुसलमान राजा आए, विदेशों से आए, काय पे बैठ के आए थे? घोड़े पे, क्योंकि एरोप्लेन का तो समय समय नहीं था, घोड़े पे बैठ के आए। और बोलते मुसलमान राजा वेरी बैड, घोड़े पे बैठ के आए। उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। अब आपने सुन लिया, कई बार लोग सुनते नहीं। मैं कॉलेज में फिर से गया था, मैं बोल रहा था, देखो लोग बोलते मुसलमान राजा आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान था। जैसे ही मैंने बोला, कुछ स्टूडेंट्स खड़े हो गए, बोले सर ये पॉसिबल कैसे है? अगर मुसलमान राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़ा कौन चलाएगा? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं। एनीवे, तो खैर, यानी मुसलमान राजाओं ने इस्लाम फैलाया, क्रिश्चियन मिशनरी ईसाई धर्म फैलाते हैं। मुसलमान नौजवानों को मोटरसाइकिल लेके देते, मोबाइल लेके देते, ऐसा लोग बोलते। उसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ, शायद डिओड्रेंट भी लेके देते, राइट। और वो फिर जाते, हिंदू लड़कियां उनके तरफ आकर्षित हो जाती हैं और वो इसलिए मुसलमान बन जाती। तो लव जिहाद एक, ठीक है, इसको लव जिहाद को भी अपन देखेंगे। और एक और जिहाद है, हाँ जी, वायलेंट होते हैं, ठीक है। मैं पहले जिहाद को कंप्लीट कर देता हूँ। जिहाद से एक और चीज भी जुड़ी हुई है जो आतंकवाद को जिहाद से जोड़ते हैं, एक्चुअली उसको आतंक जिहादी आतंकवाद कहते हैं। और शायद आपने सुना होगा, एक लोकप्रिय मान्यता है कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं। फिर सानिया ने कहा कि वो लोग ये क्या कहा, वायलेंट होते हैं। वायलेंट मतलब आक्रामक होते हैं। आक्रामक क्यों होते हैं? किस चीज के कारण आक्रामक होते हैं? किस कारण से? खान पान की वजह से, मटन खाने की वजह से। अब ये बड़ा डेंजरस मामला है, ये मैं कैसे बोलूं पता नहीं, क्योंकि कल मैंने भी मटन खाया था, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ये खतरनाक टॉपिक आपने लाया। अच्छा, कैसे बढ़ाते पॉपुलेशन? ये मीट का फॉर्मूला केवल मुसलमानों पे लगाते हैं, ईसाइयों पे नहीं लगाते। तो ईसाइयों के शायद पेट में कुछ न्यूट्रलाइजिंग सिस्टम है, ये बायोलॉजी में स्टडी करना पड़ेगा। जी पीछे किसी ने, जी, गंदे रहते हैं, राइट, गंदे रहते हैं, ठीक है। पर एक और पॉइंट रह गया था, बच्चे ज्यादा पैदा करते, पर बच्चों के पहले, हेलो, बच्चों के पहले बीवियां, कितनी शादियां? 4। चलिए अब हॉल्ट हॉल्ट, एक ऐसी मीटिंग में मैं गया, मैं थोड़े आपको किस्से बता रहा हूं, सच्ची किस्से हैं अनफॉर्चुनेटली। तो गया मैं, लोगों से पूछ रहा था, लोग जवाब दे नहीं रहे थे, तो मैंने लोगों को छेड़खानी किया। मैंने कहा बताइए ये मुसलमानों के परिवार कैसे होते? जैसे ही मैंने सवाल किया तो एक दोस्त बैठे थे, उनके यहां तिलक लगा हुआ था, पहचान लिया आपने, तिलक पे आइडेंटिटी, तिलक लगा हुआ था। वो बहुत दुखी, हताश, निराश दिखाई दे रहे थे। उनके देख के मुझे भी डिप्रेशन आ गया, खड़े हुए और दुख से बोले, देखो भाई, हम ये हिंदुओं के मेजॉरिटी के देश में हम हिंदुओं का कितना बुरा हाल है, हम लोग कितने असहाय हैं। मैंने कहा क्या हो गया यार, ऐसा क्या असहाय है? बोले देखो ना, हम बेचारे हिंदू केवल एक ही बीवी, केवल दो ही बच्चे, वो मुसलमानों का देखो क्या मजा ही मजा है, 4-4 बीवियां, 20-20 बच्चे। मैंने हाथ जोड़ दिए। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मंदिर तोड़ने से। तो आपको पता होगा, अभी अभी दिल्ली में एक रोड का नाम बदला गया था,
कौन सा रोड था? अकबर का तो अभी बदलने वाले हैं, आपने पहले से बदल, औरंगजेब रोड, ठीक है। और औरंगजेब का रोड का नाम बदलने के पहले उन्होंने कहा औरंगजेब वेरी बैड, बाकी चीजें तो थी, धर्मांतरण भी उसने कराए, पर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं फिर क्योंकि आपको पता होगा मैं हिस्टोरियन तो हूं नहीं, तो मैं फिर हिस्ट्री पढ़ने लग गया कि औरंगजेब ने कौन से मंदिर तोड़े। पर वो पढ़ते समय मेरे दिमाग में चार चीजें पता चली मोटे तौर पे। पहले पता चला कि औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, वेरी बैड। पर साथ में एक और बात पता चली, वो बात पता चली गुवाहाटी, गुवाहाटी आसाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तो मैं कौन सी बात को लेकर चलू, मंदिर तोड़ने वाली कि मंदिर को दान देने वाली? दोनों बातें हैं, नंबर एक। तीसरा मुझे बड़े आश्चर्य की बात चली, पता चली कि औरंगजेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। कम से कम एक मस्जिद मुझे पता चली जो उसने तोड़ी थी, और ये मस्जिद कौन सी थी? पहले उसके मस्जिद तोड़ने की बात सही, अपन अपनी बात को शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोलकुंडा के नवाब ने, तानाशाह ने औरंगजेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा, ठीक है। तो तानाशाह ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। ये लगान यानी क्या? टैक्स। ये बात आपको पहले से पता थी या आमिर खान की फिल्म देखने के बाद पता चली? पहले से पता थी, ठीक है, मुझे बाद में पता चली इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब ये समाज में टैक्स कैसे चलता है? सबसे नीचे टैक्स देने वाला कौन होता है? किसान। किसान किसको टैक्स देता है? जमींदार को। जमींदार किसको टैक्स देता है? राजा को। राजा किसको देता है? महाराजा को। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। तो औरंगजेब ने तानाशाह को पूछा, आपने 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तानाशाह ने कहा, हुजूर मेरे राज्य में अकाल, ड्राउट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठवाड़ा में चल रहा है। मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, तो मैं आपको लगान कहां से दूं? औरंगजेब बड़ा चालाक, औरंगजेब ने अपने जासूस को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या? क्या करेगा औरंगजेब? फौज को भेजेगा, मस्जिद को तोड़वाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम केवल औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की बात को पकड़ के चलते हैं, औरंगजेब ने मंदिर बनाए वो हम भूल रहे, औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी वो हम भूल रहे, औरंगजेब ने मस्जिदों को दान दिया वो हम भूल रहे। मोटे तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? होल्ड ऑन, राजा लोग व्हाई वेयर किंग्स रूलिंग? ऑप्शन ए, राजा लोग राज्य करते थे धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। बी, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता और संपत्ति के लिए। ए या बी? बी। और हमारे मन में क्या चल रहा है? हमारे हिंदू राजा वेरी गुड यार, तुम्हारे मुस्लिम राजा वेरी बैड। एक सरल फार्मूला है, पाकिस्तान में जाओ तो फार्मूले को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? मुस्लिम राजा एक्सीलेंट, हिंदू राजा कॉवर्ड। तो ये हमारे जो देखने का तरीका हुआ है, जो राजा को हम धर्म के चश्मे से देखते हैं, ये सही है या गलत है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इसमें ये भी बताना चाहता हूं कि ये दृष्टिकोण हमारे सामने कैसे आया। इसको कहते हैं इतिहास का सांप्रदायिकरण, कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। और कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ये कब से चालू होती है? ये चालू होती है 1857 की लड़ाई के बाद। 1857 आपको याद होगा सबको, 1857 की लड़ाई, हाँ, पहली क्रांति। उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब, नाना साहब, पेशवा, झांसी की। हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई और अंग्रेजों ने तब सोचा अगर हमको यहां राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा?
डिवाइड एंड रूल, और वहां से उन्होंने जो इतिहास लिखाया वो अलग अलग रूप में, पाकिस्तान में उसको एक रूप दिया गया, यहां दूसरा रूप दिया गया। खैर, मंदिर थोड़े और देख लेते हैं, मंदिर का तोड़ना। अब एक मैंने बताया आपको औरंगजेब, एक और हिंदू राजा की बात बताऊंगा। एक बार एक हिंदू राजा ने भी मंदिर तोड़वाए, इसके दो घटनाएं मैं बताना चाहता हूं। 11वीं शताब्दी में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव के काल का विवरण हमको एक किताब से मिलता है, उसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के कवि का नाम है कल्हण। कल्हण ने राज तरंगिणी लिखी, और उसमें लिखते हैं कि राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे पद का निर्माण किया। अब ये वर्ड समझ गए क्या, थोड़ा कठिन जैसे पूछो। ओहदा यानी पोस्ट, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। एक अच्छे ओहदे का निर्माण किया राजा हर्षदेव ने, और उस ओहदे का नाम था देवोत्पतन नायक। अब किसकी हिंदी अच्छी है मैं देखना चाहता हूं। इसको संधि विच्छेद करके तीन शब्द इसमें है, एक हाथ खड़ा करके बताइए, देवोत्पतन नायक। कौन बताएगा मुझे इसमें तीन शब्द कौन कौन से है? देव उत्पतन नायक, देव यानी भगवान, उत्पतन यानी उखाड़ना, नायक यानी अधिकारी। तो वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा के मुसलमान राजा? हिंदू राजा। आगे कहीं उसमें लिखा है राजा उस अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन है, भैया वही मूर्तियां उखाड़ना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों, पत्थर की मूर्तियां इन आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो गया, पत्थर की मूर्तियां मेरे जैसे लोगों के लिए, आपको मैं अपनी कैटेगरी में डाल दूं क्या? पत्थर की मूर्ति आपने अपने जैसे लोगों के लिए, और सोने चांदी की मूर्तियां राजा के लिए। तो ये जो राजा, एक और देख ले हम, एक और बड़ा लंबा ऐसे फ्रंटलाइन में आया था, टेम्पल डिस्ट्रक्शन इन एंशियंट इंडिया। इसके लेखक का नाम है रिचर्ड ईटन। रिचर्ड ईटन लिखते हैं कि प्राचीन काल में भी मंदिरों को तोड़ा गया। तो मुझे थोड़ा सोच के जवाब दीजिए, प्राचीन काल में मंदिरों को तोड़ने के लिए मुसलमान राजा थे क्या? यस नो? क्यों नहीं थे मुसलमान राजा? क्यों नहीं थे? हाँ, इस्लाम था ही नहीं, दुनिया में ही इस्लाम नहीं आया था। इस्लाम कौन सी शताब्दी में आया था? 7th century। 7th century के पहले इस्लाम नहीं था, मुसलमान राजा नहीं थे, तो मंदिर किसने तोड़े? तो रिचर्ड ईटन बताते हैं, जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, होल्ड, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे? यस नो? मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे? ऐसा तो नहीं था 1000 साल के पहले के समाज में, मैं एक हिंदू राजा हूं, कल्पना करने में क्या जाता है, मैं एक हिंदू राजा हूं, वो एक हिंदू राजा खड़ा है वहां, वो मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है, मैं उसको बोलूंगा यार तू भी हिंदू मैं भी हिंदू, भाई भाई नो लड़ाई, वो मेरी बात सुनेगा क्या? सत्ता संपत्ति के बीच में धर्म कभी नहीं आता। हिंदू राजा से लड़ता था, मुसलमान राजा से लड़ता था। खैर, तो जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता के मंदिर को तोड़कर खुद का कुल देवता मंदिर वहां बनाता था। एम आई क्लियर? अपने कुल देवताओं की कोई शॉर्टेज है क्या? काफी है, हर एक अपना अपना है। और ये क्यों करता था? वो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करता था, राइट रॉन्ग? औरंगजेब गोविंद सिंह के बेटों को बोलता है कि तुम मुसलमान बन जाओ, तो क्या औरंगजेब यहां धर्म का प्रसार कर रहा है कि हारे हुए राजा का अपमान कर रहा है? हारे हुए राजा का, और हमारा खून खौलता है। औरंगजेब ने तलवार की नोक पे इस्लाम फैलाया। खैर, इस्लाम पे मैं थोड़ी देर में आने वाला हूं, पर जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उसके कुल देवता के मंदिर को तोड़ता था, नंबर एक। नंबर दो, उसी के साथ वो प्रजा को संदेश देना चाहता था कि अब यहां का राजा मैं हूं।